हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल फूड इन माय किचन। अगर आप चीज़ लवर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन चीज़ रोल की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, जिसे मैंने थोड़ा सा पानी और नमक डाल के बॉईल किया, उसे ठंडा किया और उसके बाद इस तरह से 30 सेकेंड के लिए मिक्सर में चला लिया, जो इस तरह से हो गया है। ये देखिए, मैंने बॉइलिंग के टाइम पे ही थोड़ा नमक डाला था। और एक कैरेट ले लिया है, जिसे क्रश कर लिया इस तरह, और एक शिमला मिर्ची बड़ी साइज़ का, जिसे इस तरह से चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा कैबेज, पत्ता गोभी जिसे चॉप कर लिया है, और दो पटाटो जिसे बॉईल कर लिया था। आप सब्जियां आप अपने हिसाब से डालें, आपको जो भी सब्जियां चाहिए वो ऐड करें और जो नहीं चाहिए वो स्किप कर दें, टेस्ट आपके ऊपर है। मैंने लिया है 8 से 10 लहसुन और 2 इंच के अदरक के टुकड़े और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। हम इसे 30 सेकंड के लिए मिक्सर में बिना पानी डाले क्रश कर लेंगे। हमें इसे क्रश करना, या फिर आप हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। मैं इसे मिक्सर में करूंगी, जिससे मेरा टाइम बचेगा। इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है, इस तरह से इसे हम साइड में रख देते हैं। मैंने लिया है थोड़े से कॉर्न, अब मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो यूज़ करें, वरना स्किप कर दें। हमने एक कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा अमूल बटर, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, और जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची में हमने क्रश किया था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हम सारी सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। 30 सेकेंड अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। मैंने कॉर्न को भी क्रश कर लिया है, तो हम सारी सब्जियों को एक साथ इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फास्ट गैस पे पकाएंगे। हम इसमें पोटैटो भी ऐड कर देते हैं। पोटैटो को ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़े बड़े बड़े रखना है। इस तरह से हम इसे मैश करेंगे। हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब और 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो। सब डालकर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीज़ स्प्रेड। मैंने ये वीबा का चीज़ स्प्रेड लिया है। आप भी इसमें कोई भी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड कर दें, कोई भी चीज़ चलेगा, मोज़रेला हो, चेडार हो, कोई भी चीज़ चलेगा, आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 मिनट गैस पे अच्छे से लो फ्लेम पे पका के उसके बाद हम इसका गैस ऑफ कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और इसे एक थिक सा घोल बना लिया है इस तरह से। मैंने लिया है चीज़ का रोल पट्टी, हम इसी में फिलअप भरने वाले हैं। मैंने इसमें हरा धनिया भी ऐड किया था, जो शायद स्किप हो चुका है, वीडियो मिस हो गया है मेरा। आप जब इसे ठंडा होने के लिए रखें तो इसमें हरा धनिया भी कट करके डाल दें और अच्छी तरह से चला दें।
मैंने शायद मिस कर दिया है इसका वीडियो। अब हम एक शीट लेंगे, इसे फिलअप को साइड में रखेंगे इस तरह से। आज हम अलग तरीके से इसे रोल करने वाले हैं। हम इस तरह से एक शीट लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से आटा। हमें इस तरफ से भी लगाना है इस तरह से। मैंने आटे का घोल बहुत ज़्यादा थिक रखा है, आप इसी तरह से ही रखें, ये अच्छे पकते बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा फिलअप लेंगे और इस तरह से रखेंगे इस तरह से, और हम इसे रोल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से रोल करके हम इस तरफ दबाएंगे। हमने इस तरफ दबाया, अब हम इस तरफ से इसे इस तरह से खड़ा कर देंगे और इसे इस तरफ से दबा देंगे। हमें ये शेप देना है, ये देखिए इस तरह से। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। हमें इसी तरह से सारे रोल बनाकर रख लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, अगर आपको वॉच नहीं करना है तो प्लीज़ ना करें, लेकिन फुल वॉच करें। क्योंकि हम आप लोग आते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। पर हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ फुल वॉच करें इसे। इस तरह से फिलअप डालेंगे और इस तरह से हम रोल करेंगे। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किया करें वीडियो को इस तरह से, इस तरह से। हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत से एडिटिंग करते हैं। आप लोग को भी पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, इसलिए फुल वॉच करें। कमेंट्स करते हैं आप लोग, कमेंट्स करके चले जाते हैं, लेकिन फुल वॉच नहीं करते हैं। इस तरह से मैं सारे बनाकर रख लूँगी, अब हम इसे आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने रोल बना के रखी थी इस तरह से। अभी हमें इसे करना है फ्राई, लाइट गोल्डन होने तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इस तरह से। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना होगा ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन हो जाए। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये एक तरफ से लाइट गोल्डन होंगे और दूसरी तरफ से वाइट ही रह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनते हैं। ये बहुत ही कम मसालों में बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये लाइट गोल्डन हो चुका है, अब मैं इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल दूँगी। अभी हो गए हैं फ्राई, मैं इसे निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पे। ये हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं, ये देखिए। अब तो हमारा चिकन चीज रोल खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करने वाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको ये रेसिपी सबसे पहले बनानी पड़ेगी। आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।